मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद अपनी संडे राइड है और हम लेट लतीफ हर बार की तरह इस बार भी आज भी लेट। छः बजे पहुंचने का था, अभी टाइम हो रहा है 6:41 लेट। वैसे ग्रुप वाले 6 बजे तो नहीं है, लेकिन 6:10-15 पे पहुँच गए हैं एक दो जने, और बाकी अभी भी वो अभी कुछ मेरी तरह हैं और वो अभी निकले हैं। सॉन्ग वॉन्ग चला देते, जल्दी पहुंचना पड़ेगा अभी वरना निकल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली गाइस क्या हुआ कि मैं आज राइड में नहीं जाने वाला था, मैं जाने वाला था आज मांडवी, लेकिन मेरा प्लान हो गया कैंसल। सो मैंने सोचा चलो राइड में ही चले जाते हैं, और ग्रुप वालों को मैंने बोला नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, सो वो मेरे लिए खड़े नहीं रहेंगे, सो मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और मैंने अपनी बाइक को वॉश भी नहीं किया क्योंकि मेरा भाई जॉब करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, और आज उसको छुट्टी है, तो वो जब सुबह जाता है तब मैं सोया रहता हूँ, जल्दी में नहीं उठ रहा हूँ, और जब वो आता है तब मैं मार्केट में रहता हूँ, इस वजह से बाइक वॉश ही नहीं हो पाती है। और आज सोचा तो करूँगा लेकिन आज राइड होगी तो आके फिर देखेंगे कि अगर एनर्जी होगी तो कर लेंगे वॉश। मोबाइल में पड़ा हुआ था, पब्लिक आ गई है, एक दो तीन R5, फिर चार R5, एक KTM, दो MT, एक बुलेट और एक RR310। चलो यस यो, चलो अभी हम चल रहे हैं राइड पे, संडे राइड आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुजराती माड़ू एक ड्यूक भी है 200। इसने सस्ते ZX10R बना दिए हैं स्टॉक मिरर में ये डाल के, ये क्या कारनामा किया है भाईजान अपने। थोड़ा इसको जला के दिखाओ, अभी जला दे, फुल लगा दे सर। जलेगा नहीं जलेगा? आए भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक मिरर है उसके अंदर इसने कुछ मॉडिफिकेशन किया खुद नहीं, इसका भी चैनल है वो मॉडिफिकेशन सब डालता रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा लग रहा है यार, पूरी रात काम के मस्त लग रहा है। 7,500 कौन दे जब ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाता है तो। अंकल जी कब से देख रहे हैं, अब मेरी ये फॉग आ जा रहा है। हमारे एक हॉर्नेट भी है 160 जो पेट्रोल पंप पे है, और मैंने इसको साफ भी नहीं किया। एक्चुअली मेरा प्लान था सुबह जल्दी उठ के साफ करूंगा, लेकिन जब सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाया भाई साहब, फॉग हो जा रहा है यार ये गॉगल्स में। और आज डीएन नहीं आया है अपने साथ, उसके साथ बहुत टाइम से राइड नहीं की, तो नेक्स्ट संडे वो सोच आएगा शायद। पीछे भी इसने इंडिकेटर मॉडिफाई किए और ये पट्टा रखा है, वाह ब्रो। बहुत दिनों के बाद नितिन को अपनी बाइक में देखा, ये पीछे जो रह गए हैं चार जने उनकी ही वेट हो रहा है, एक डिप 200 है, एक R15 है, और एक उनकी बाइक के दो R15 है, एक डिप 200 है और एक हॉर्नेट। तुमको बहुत दिनों बाद ये KTM में देखा,
बहुत दिनों के बाद देखा KTM में। तो अप्रैल भी आ गई है, अप्रैलिया यस। वो क्या है इसका नाम, ऐसा होते ना। हो तो यहाँ से हमारी फाइनली राइड स्टार्ट हो रही है। सब बाइक्स आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। सब कुछ और ये सबका सामान पड़ा है यहाँ पे एक साथ, और सब बैठे नाश्ता चाय पानी के लिए। ऑर्डर दे दिया है, आता होगा। और अच्छी राइड थी, अच्छी राइड है, चल रही है अभी तो। खेल कर्तव्य दिखाते हुए चल सकता हूँ। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया और बस निकलने का प्लानिंग है, चाय और आलू पलोटा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे ढाबा पे नाश्ता वास्ता किया, जैसे कि मैंने बोला भाई 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 भाई। अभी पूरा हम धूल धूल हो जाता, अब करते हैं। रस पीजिए यहीं का, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। रोड होगा, रोड पे मस्त होगा। खड़े थे और ये हमारे भाई साहब थोड़े तंग हो चुके हैं, वैसे लगता है रेडिंग से या पता नहीं क्या है इनको, जो इस तरह से यहाँ पे बैठ चुके हैं। भाई साहब अपना चेहरा दिखाइए, अरे गिरने नहीं दीजिए। तो ये कुछ ऐसे बैठ चुके हैं पता नहीं क्यों, और बाकी सब यहाँ पे खड़े हैं। दो जने का भाई वेट कर रहे हैं, दो राइडर आ रहे हैं। क्या बोला भाई? सुबह करके नहीं आता। सुबह करके नहीं आ, अच्छा सुबह करके नहीं इसलिए बैठे हो भाई। एक आगे कमल, भाई 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 भाई, और एक पीछे है अपनी अप्रैला जो है, वो आ रहा है भाई अप्रैला वाला। हमने रील्स बनाई है थोड़ी सी, तो अगर आपको देखनी है तो मुझे इंस्टा में ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम यहीं के आ रहा होगा। तो जाइए और जल्द से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनी है, पिक्चर्स लिए हैं हमने, स्टोरीज बनाई है। और मैं जहाँ भी राइड में जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, पहले इंस्टा पे बताता हूँ, मुझे इंस्टा पे आप फॉलो ज़रूर करिए। और अभी चलते हैं घर की ओर, राइड हो गई है ख़त्म।
अपनी कंप्लीट हो गई, घर पे आ गए अपन और बैटरी लो थी गोप्रो में इसलिए नहीं दिखाया। और आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे जो आर्म फ्री एक पट्टी थी और आर्म फ्री लिखा था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि जहाँ मेरा भाई जाता है जॉब करने वहाँ पे कबूतरों ने यहाँ पे बैठ बैठ के इतना थोड़ा सा निकाल दिया था, तो मैंने इसको पूरा ही निकाल दिया। और पीछे जो बीच में हमने अपना नाम चेंज करवाया था, पता नहीं क्या सोच के नाम चेंज करवाया था, वो नाम चेंज करके फिर से DSG ब्लॉग रखा, तो वो भी हमने कल ही लिखवाया है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा वो पूरा नाम लिखा है बिन, और यहाँ पे दीपू जैसा दिख रहा है लेकिन नया आ गया ये। और अभी हम सोचेंगे कि इस पार्ट में क्या करवाएं, क्या अच्छा लगेगा, वही फिर से वही पट्टी करवाएं ऐसी और आलों पर लिखा हुआ या कुछ और। और दूसरे में इसमें सोच रहा हूँ कि अभी प्लान लग रही है पूरी, तो या तो इसको पूरा प्लान कर देते हैं या इसको थोड़ा सा और ग्राफिक्स डाल देते हैं। अभी तो बहुत गंदी है, शाम को उसको साफ करूँगा। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा ग्राफिक पूरा नया डाल देते हैं। और देखो तो कितनी गंदी हुई राइड में, अभी पूरा साफ करना है, शाम को करूँगा। और इसका ये भी चेंज करवाना है इतना पूरा, ये क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग किया ना तो यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत होता है, तो करते हैं कुछ इसका भी नया। तो अभी बस जस्ट मैं एडिटिंग कर रहा था व्लॉग की और दोपहर को मैं सो गया था, शाम को फिर मैं वापस मार्केट में गया था, लेकिन मैं हेलमेट नहीं लेके गया था इसलिए व्लॉग नहीं किया। तो अभी जस्ट एडिटिंग कर रहा था, देखा साला एंडिंग करना ही भूल गया मैं। और दूसरा कि ये मेरी जो कोगल से वो देख सकते हो आप टूट गई यहाँ से, आई डोंट नो कैसे, मैं भी हेलमेट के अंदर पहना था उसकी टूट गई है, तो कल इसका भी काम करवाना है। और बाइक सर्विस में भी रखनी है, क्योंकि लास्ट सर्विस मार्च महीने में करवाई थी और अभी इसकी सर्विस आ चुकी है, तो रख देते सर्विस में। और इसमें एग्जॉस्ट आप डाले या ना डाले वो मुझे आप कमेंट में बताइए, क्योंकि एग्जॉस्ट मेरे को अब लग रहा है थोड़ा लाउड हो तो अच्छा रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है एग्जॉस्ट का, तो आप मुझे कमेंट करिए।